मैडम, उसने अपने आप को खोया हुआ बेटा कहा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वैसे मैं आपको याद दिलाता हूं, वक्त भी शायद सही चुना है। कल आपके पति की मौत की 10वीं बरसी है, कल उनके सम्मान में स्मारक का अनावरण भी किया जाएगा और कल मुझे पूरी सम्मिलित भीड़ से बात भी करनी होगी मिसेज अली। मैं आपको याद दिलाती हूं कि आप शादी के एक साल बाद कैसे एक खाई के कगार पर खड़ी थी, आप अपने पति को छोड़कर भाग आई थी मिसेस एल्विन, भाग आई थी और वापस न लौटने पर तुली हुई थी, चाहे वो जितनी मर्जी गिड़गिड़ाता रहा। क्या भूल गए थे कि मैं उस पहले साल कितनी दुखी थी? मैडम, जीवन में खुशी की मांग करना यही तो विद्रोह की भावना है। क्या हम इंसानों का खुशी का हक बनता है? नहीं, हमें तो सिर्फ अपना फर्ज निभाना होता है मैडम, और आपका फर्ज बनता था कि आप अपने पति के साथ रहती, जिसको आपने खुद चुना था, जिसके साथ आप एक पवित्र बंधन में बंधी हुई थी। मेंडर साहब कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं मिसेस एल्विन, कि जिस तरह से आपने एक जमाने में पत्नी का कर्तव्य नहीं निभाया, उसी तरह से बाद में आपने मां का भी कर्तव्य नहीं निभाया। आप हमेशा गैर कानूनी चीजों की ओर खींचते रहे, आपको कोई बंधन नहीं चाहिए था। जो भी आपको जीवन में भारी लगा है, आपने उसे बिना सोच समझ, बिना बेलिहाज किसी बोझ की तरह उठाकर फेंक दिया। आपको पत्नी होना नहीं भाता था तो आप अपने पति को छोड़कर चले, मां बनना नहीं पसंद था तो आपने अपने बच्चों को अजनबियों के हाथ सौंप दिया। हाँ, ये सच है, मैंने ऐसा किया है। जी हाँ मिसेस एल्विन, ये सच है और इसे आप खुद स्वीकार कर रही हैं। आपने अपने पति के साथ गुनाह किया है, आप खुद प्रायश्चित कीजिए इसका। और मैं तो अब आपसे यही कहूंगा कि अपने बच्चे को भी बचाइए, जो भी उसमें बचाने लायक बचा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक कसूरवार मां हैं, और शायद मैं ये आपको बताना अपना फर्ज समझता हूं।